हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि गरीब लोग और क्यों गरीब होते जाते हैं और अमीर लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते जाते हैं। ठीक है, गरीब लोग ऐसा क्या गलती करते हैं कि वो लाइफ में कभी अमीर नहीं हो पाते हैं, भले वो कितना भी मेहनत कर लें। ठीक है, कितना भी वो शायद पढ़ाई भी कुछ लोग कर लेते हैं तो भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, ऐसा क्या रीज़न है। ठीक है, सबसे पहले तो हमारा जो एडुकेशनल सिस्टम है, ठीक है, उसमें हमें ये बताया जाता है कि आप कैसे जॉब कर सकते हैं। ठीक है, आपको कंपनी में कैसे पेश आना है, ठीक है, कैसे काम करना है, ठीक है, ये सब चीज़ का हमें नॉलेज दिया जाता है। ठीक है, चाहे आप 12th कीजिए, चाहे आप कोई टेक्निकल नॉलेज हासिल कीजिए, ठीक है, तो हमारा जो एडुकेशन सिस्टम होता है वो कभी भी फाइनेंस पे ज़्यादा फोकस ही नहीं रखता है। ठीक है, कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या सही तरीका है। ठीक है, शायद गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है कि आप सही जगह पे इन्वेस्ट करके आप ज़्यादा पैसे जमा कमा सको। तो हम लोग क्या करते हैं कि लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज के चलते या तो फिक्स डिपॉजिट में जमा करते हैं, या फिर LIC का कोई इंडोरमेंट प्लान, या फिर कोई बकवास मनी बैक प्लान, या कोई भी प्लान आप ले लेते हैं। ठीक है, और हम खुश हो जाते हैं कि हाँ चलो ठीक है, हम 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये महीना हम जमा कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग जो ज़्यादा थोड़ा तेज होते हैं, ठीक है, तो वो गलत प्लान स्कीम के चक्कर में पड़ जाते हैं। कोई नया नया कंपनी आया हुआ रहता है, उसके बारे में सुने रहते हैं, ठीक है, तो उसमें यार 7% का रिटर्न मिल रहा है, 6% का रिटर्न मिल रहा है, 1.5 साल में पैसा डबल हो जा रहा है, 2 साल में डबल हो जा रहा है। ठीक है, तो वो सब कंपनी में पैसा लगा के बर्बाद कर देते हैं। तो पहला रूल होता है कि आप जो भी पैसा आप कमा रहे हो उसमें से पहले आप बचाइए। ठीक है, और जो भी बचा रहे हो तो ऐसा जगह पे इन्वेस्ट कीजिए कि वो कम से कम बढ़े ना सही, लेकिन डूबे भी ना सही। ठीक है, तो ये दो रूल होता है। ठीक है, तो इसके लिए आप बोलोगे कि हाँ यार फिक्स डिपॉजिट बहुत अच्छा है। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट देखने में बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलो ठीक है, 4%, 5%, 6-6% कहीं कहीं पे मिल रहा होता है। ठीक है, तो अरे यार हाँ ना ठीक ना, साल का मुझे 6% मिल गया, कुछ भी नहीं किया मैं, पैसा अपना जमा कर दिया और 6%। लेकिन हैरानी की बात ये है कि एक तो वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि जो आपको थोड़ा बहुत चरन्नी अठन्नी जैसा रिटर्न भी मिलता है, ठीक है, उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ जाता है। अब आप बोलोगे कि यार तो फिर सॉल्यूशन क्या है इसका। ठीक है, क्योंकि हमें तो बचपन से तो मतलब हम लोग माँ बाप को, अपने दादा दादी को यही करते हुए देखे हैं कि हाँ फिक्स डिपॉजिट में जमा कर दो, ठीक है, उस पर रिटर्न मिलेगा और वो सेफ है। ठीक है, लेकिन ये सेफ वर्ड जो हो जाता है ना, रिस्क नहीं लेना, ठीक है, यहीं पर हम गलती कर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि रिस्क नहीं लेना सबसे बड़ा रिस्क होता है। ठीक है, ये बस डायलॉग नहीं है, अब मैं आपको क्यों बताता हूँ, इसको समझिए। ठीक है, कि आपको लगता है कि 1 लाख पे आपको 5% का रिटर्न जो मिल रहा है, ठीक है, वो बहुत है, मतलब चलो ठीक है मेरा पैसा बढ़ रहा है, ठीक ना, 1,05,000 रुपया हो गया। लेकिन इन्फ्लेशन जो वर्ड एक होता है, ठीक है, तलवार जैसा होता है, वो आपका पैसा को काटते जाता है। ठीक है, तो जो आप इस साल 1 लाख रुपये से खरीद पा रहे होंगे, ठीक है, वो अगले साल 1 लाख इन्फ्लेशन के चलते वही सामान आपको 1,07,000 में, 1,08,000 में मिलेगा। लेकिन आपका पैसा जहाँ पे आप इन्वेस्ट किए थे वो तो 1,05,000 हुआ, और उस पर भी फिर आपको हो सकता है कुछ अगर ज़्यादा अमाउंट हो तो टैक्स भी देना पड़ जाएगा। ठीक है, और हम कम्पीट किससे करते हैं कि बोलते यार देखो ना, अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं। तो बाबू बेटा, ये अमीर लोग कभी भी ये सब चक्कर में पड़ते ही नहीं हैं। पहले तो चीज़ कि जो आप फिक्स डिपोजिट किए हो उसके बेसिस पे वो लोन ले लेंगे, ठीक है, और उससे और कहीं पे ज़्यादा पैसे कमाएंगे। ठीक है, और चलो ठीक है, लोन जो नहीं भी लेंगे वो क्या करेंगे कि उनके पास अगर पैसे होंगे तो PPF में जमा करेंगे, ELSS में जमा करेंगे, डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, और उनको कितना का रिटर्न मिलेगा, 8%, 12%, 15% कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न उनको मिलेगा। ठीक है, आपको कितना मिल रहा है, 4%, 5%। आप सेम 1 लाख रुपया जो अमीर आदमी के पास है और सेम आपके पास है, वो आपसे 3 गुना ज्यादा रिटर्न हासिल कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा बहुत रिस्क ले पा रहा है। ठीक है, और रिस्क लेने के चक्कर में उसको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, आप डर रहे हो, ठीक है, कि नहीं मेरा पैसा डूब जाएगा। ठीक है, और उस चक्कर में आप क्या कर रहे हो, आप अपना पैसे को डुबा रहे हो। ठीक है, क्योंकि वो 1,05,000 रुपये रिटर्न हासिल करना, जो कि उस पर भी टैक्स भरना, और वो रिटर्न, वो पैसा आपका सच में कम ही हो रहा है। बस आपको लग रहा है कि नहीं हर साल मुझे 4-5% जैसा बढ़ रहा है। ठीक है, तो टेक्निकली वो हर साल आपका 2-3% घट रहा है, वो आपको बस दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो वो रिस्क नहीं लेना, वो आपको बहुत भारी पड़ जा रहा है। ठीक है,
और एक चीज और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, कि हर महीने अगर कोई सब्जी बेचने वाला भी, ठीक है, 40 साल तक सिर्फ 100 रुपया भी इन्वेस्ट करता है तो उसको 30 से 35 लाख रुपए उसके कॉर्पस बन जाते हैं, ठीक है, जमा होके उनके मिलते हैं। अब आप बोलोगे क्या अमित यार 40 साल तक कौन जिंदा रहता है, ठीक है, मतलब हम तो मर जाएंगे, ठीक है, और वो 30-35 लाख का करेंगे भी क्या। तो पहला तो चीज कि आप भले आज गरीब होगे, ठीक है, वो आज वो सब्जी बेच रही होगी, ठीक है, लेकिन 30 साल बाद 35 साल बाद उसके पास 30-35 लाख होगा, मतलब गरीब वो नहीं मरेगी, ठीक है ना, एटलीस्ट वो और आने वाला जनरेशन को भी वो पास कर पाएगी, ठीक है, कि इतने पैसे वो बचा चुकी है, कमा चुकी है, और सिर्फ 100 रुपया समझ लीजिए कि वो नेग्लिजिबल है, ठीक है, तो हर कोई कर सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर सकता है। और अभी तो कुछ कुछ ऐसे ऐप्स हैं जहाँ पे आप 10 रुपये भी मंथली बेसिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, तो ये एक्सक्यूज देना कि नहीं नहीं हम गरीब आदमी हैं हम कर नहीं सकते हैं, तो आज का डेट में ये एक्सक्यूज तो आपका चलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आप 10 रुपये भी 100 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हो और उससे लंबे समय में बहुत ज़्यादा पैसे आप बना सकते हो, ठीक है, सिर्फ ये आपका एक जो ट्रेडिशनल मेथड है ना, ये फिक्स डिपोजिट ये सब के चक्कर में, उससे थोड़ा अलग से सोच के बस, ठीक है। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ आपको कि कोई रिस्की प्लान, कोई नया कंपनी में आपको इन्वेस्ट कर देना है, कोई कंपनी का प्लान चल रहा है 2 साल में 3 साल में डबल करने का, नहीं, पहले तो मैं शॉर्टकट पे कभी बिलीव नहीं करता हूँ, ठीक है, कोई भी MLM स्कीम हो कि नहीं आपको 2 को जोड़िए 4 को जोड़िए आपका तुरंत पैसा बढ़ जाएगा, ठीक है, या फिर आप कोई किसी का सामान बेचिए वो सामान फिर दूसरे को भी बोलिए खरीदने के लिए, दूसरा वाला फिर उसके अंदर में फिर 2 आदमी को जोड़िए फिर वो सामान खरीदेगा, ये सब प्लान में भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो प्लान में बोल रहा हूँ जो वर्क करता है, ठीक है, PPF जो नॉर्मल आप बैंक में जाके खोल सकते हो, म्यूचुअल फंड जो बैंक में जो भी बैंक में आपका खाता हो वहाँ का प्लान आप ले सकते हो, ठीक है, तो ये सब सही है, आप कुछ ज़्यादा कुछ आपको अलग करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बस अपना सोच को अलग करने की कोशिश करना है, ठीक है, तो ये सब आप स्टेप फॉलो करके थोड़ा सा अलग सोच के, ठीक है, आप अमीर बन सकते हो। और जो लोग गलती कर रहे हैं, ठीक है, तो गलती बस अवॉइड करके आप अमीर बन सकते हो। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, और इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए और भी आते रहेंगे, और आने वाले वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि इन्वेस्ट करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।